नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपने लिए मिशन 400 तय किया है, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। भाजपा मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मिलने की आस कर रही है, लेकिन यदि साल 2019 की परफॉर्मेंस के आधार बनाए जाएं तो फिलहाल भाजपा के लिए ये बेहद मुश्किल साबित होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा का खराब प्रदर्शन चर्चा में रहता ही है, लेकिन देश के 37 राज्य 11 राज्यों में भगवा दल खाता खोलने में भी असफल रहता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा अपने इस दावे में साबित हो पाएगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो साल 2019 के चुनावों के प्रदर्शन का आधार बनाकर योजना बनाई है, साल भाजपा और उनके सहयोगी ने 543 में से 350 सीटें जीती थी, जिनमें भाजपा को 303 सीटें मिली थी। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को मिशन 400 के लिए महज 50 सीट ही बढ़ानी है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। यदि 2019 के हिसाब से भाजपा के परफॉर्मेंस को देखें तो पहले वे राज्य हैं जहां भाजपा ने सभी सीटें जीती थी, यानी क्लीन स्वीप किया था। ऐसे 10 राज्य हैं। इसके बाद बात आती है उन राज्यों की जहां भाजपा ने सभी सीटें हारी थी, यानी उनका खाता भी नहीं खुला था। ऐसे 11 राज्य हैं। इसके बाद वे राज्य हैं जहां भाजपा खुद भी मजबूत है और उनके सहयोगी भी इतने मजबूत थे कि दोनों का साथ एक दूसरे के लिए खूब सीटें बटोरने में सफल रहा। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एक सीट भी नहीं मिली। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादरा एवं नागर हवेली शामिल। सीधी सी बात है, यदि भाजपा को 400 का आंकड़ा छूना है तो इसके लिए भगवा दल और उनके सहयोगियों को उन 11 राज्यों में परफॉर्मेंस में बेहद सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि ये 11 राज्य हैं जहां पर भाजपा ने खाता तक नहीं खोला। ऐसे में देखा जाए तो इन 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 93 सीट दांव पर रहती है, जिसमें 543 सीटों का एक बड़ा हिस्सा है। यदि इन सीटों को हटा दिया जाए तो बाकी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 443 सीट ही बचती है, यानी अकेले उनके दम पर भाजपा गठबंधन 400 सीट का आंकड़ा छू नहीं सकता। भाजपा ने दक्षिण भारत की इन 93 सीटों के नुकसान को पूरा करने के लिए उन 144 सीटों पर ध्यान फोकस किया है जिन पर वो या उनके सहयोगी दल दूसरे या तीसरे नंबर पर रहा था। भाजपा 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। भाजपा ने इन सीटों को हासिल करने के लिए अपने गठबंधन में छोटे से छोटे दल को शामिल करने की कोशिश की है। कई दल ऐसे भी हैं जिनका असर 5-6 सीट ही सीमित है, लेकिन उनका जातीय समीकरण भाजपा को कई सीटों पर लाभ दे सकता है। बात रही 11 सीटों की, तो ये 11 सीटों पर बीजेपी की रणनीति बेहद निर्भर करती है, क्योंकि 400 पार का नारा है और 11 सीटें जहां पर बीजेपी का भगवा रंग जो है उसका जादू नहीं चलता है, तो देखना होगा कि बीजेपी रणनीति क्या बनाती है। फिलहाल जो भी चीजें निकलकर सामने आएंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।